शैडोल जिले में लगातार वंशी का कंस्ट्रक्शन द्वारा रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। रेत उत्खनन की शिकायत को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के आमडी मंडल अध्यक्ष श्री एम शुक्ला ने पहुंचे शैडोल कमिश्नर से शिकायत की। कमिश्नर को सारी जानकारी पत्र के द्वारा बताई। कमिश्नर ने पत्र को देखने के बाद कार्रवाई करने की बात कही और साथ ही बात करें अगर मसीरा खदान और पोटी खदान में तो यहां पर लगातार रेत का उत्खनन किया जा रहा है। इस क्षेत्र से हटकर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। कहा जाए तो सफेद पोश नेताओं का भी संरक्षण है। जिले भर में रेत का अवैध उत्खनन शासन प्रशासन की मिली भगत से जोरों शोरों से चल रहा है। आज बिहारी विधानसभा में रेत उत्खनन का मामला सिर चढ़कर बोल रहा है, जो कि मैं आज यहाँ कमिश्नर साहब के पास आया था, जो कि हमारी मुलाकात हुई। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया कि यदि आपके इस क्षेत्र में यदि अवैध उत्खनन हो रहा है तो मैं इसमें एक्शन लूँगा, और हमने उनसे आग्रह किया कि इसमें विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो हमारे रेत उत्खनन बचका ग्रुप द्वारा लिया गया है वो अवैध भंडारण करके और बाहर की गाड़ियों को क्षेत्र में लाकर ये रेत परिवहन कर रहे हैं। वहाँ संरक्षण अब हम किसी एक व्यक्ति को तो नहीं कह सकते, बाकी कुछ सफ़ेद पोश वाले व्यक्ति हैं जो कि रेत उत्खनन का मामला उठा तो रहे हैं लेकिन उसमें संज्ञान ज़्यादा लिया नहीं जा रहा उनके द्वारा, और ग्रामीण जनों में आक्रोश है रेत उत्खनन को लेकर, आक्रोश है उनको लेकर, और वो परेशान है क्योंकि जल स्तर धीरे निरंतर नीचे जाते ही जा रहा है, और यदि आज इसको नहीं रोका गया अवैध उत्खनन को तो भविष्य में और जल स्तर कमजोर होता पड़ता दिखाई दे रहा है। और सड़कों की हालत, अभी नई सड़क हमारे जिधर रेत उत्खनन चल रहे हैं उधर नई सड़क का निर्माण हुआ था, जो कि एक महीने के अंदर ही वो रोड खराब हो गए हैं। शैडो से दीपक कुमार गर्ग की रिपोर्ट।